नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अतीक असैफ हत्याकांड में दो एसआईटी गठित प्रयागराज में आज भी इंटरनेट बंद। तीनों शूटर्स की पुलिस को आज मिल सकती है रिमांड। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जांच के लिए दो एसआईटी गठित की गई है। पहले डीजीपी आर के विश्वकर्मा ने की है, दूसरी एसआईटी प्रयागराज कमिश्नर रमित शर्मा ने बनाई है। इससे पहले रविवार को सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था, यानी अब तीन लेवल पर इस हत्याकांड की जांच होगी। उधर प्रयागराज पुलिस अतीक अशरफ के तीन हत्यारों को आज कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस इनकी रिमांड की मांग कर सकती है। वहीं अतीक अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। साइट के मुताबिक एडवोकेट विशाल तिवारी ने पीआईएल दाखिल किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हत्याकांड की जांच कराने की मांग है। साथ ही 2017 से यूपी में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की अपील भी की गई है। प्रयागराज में इंटरनेट सर्विस आज यानी 17 अप्रैल को भी बंद रहेगी। इससे पहले रविवार को भी इंटरनेट बंद रहा है। अतीक अशरफ के तीन शूटर्स को नैनी की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। इसी जेल में अतीक अहमद का बेटा भी बंद है। जेल के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।